और जैन के दंडी सेवा आश्रम के 19 छात्रों का सनसनीखेज आरोप सामने आया है। दो आचार्य पर यौन शोषण के आरोप हैं। बड़नगर रोड पर बने दंडी आश्रम का यह मामला है। उज्जैन पुलिस ने एक आचार्य को मामले में गिरफ्तार किया है। आश्रम में संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष और वेदों की शिक्षा दी जाती है। 5वीं से 12वीं तक के 80 छात्र दंडी सेवा आश्रम में पढ़ते हैं। बच्चों ने आचार्य राहुल शर्मा और अजय पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। करीब 2 दर्जन पेरेंट्स ने आश्रम पहुंचकर मामले का खुलासा किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन के दंडी सेवा आश्रम के 19 छात्रों ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दो आचार्यों पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। बड़नगर रोड पर यह दंडी सेवा आश्रम है और उज्जैन पुलिस ने इस मामले में एक आचार्य को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आश्रम में संस्कृत, कर्मकांड, ज्योतिष और वेदों की शिक्षा दी जाती है और यहाँ 5वीं से 12वीं तक के करीब 80 छात्र दंडी सेवा आश्रम में पढ़ते हैं। बच्चों ने आचार्य राहुल शर्मा और अजय पर ये आरोप लगाए हैं। करीब 2 दर्जन पेरेंट्स आश्रम पहुंचे और उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर लिया है। उज्जैन के दंडी सेवा आश्रम का ये मामला, 19 छात्रों के आरोप है, 2 आचार्यों पर यौन शोषण के। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। उज्जैन पुलिस ने फिलहाल एक आचार्य को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच की जा रही है। 2 आचार्यों पर यह आरोप लगे हैं गंभीर। आचार्य राहुल शर्मा और अजय, इन दोनों पर यह आरोप लगे हैं, जिनमें से एक आचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच की जा रही है। 19 छात्रों के ये आरोप हैं, 2 आचार्यों पर यौन शोषण के। सोलह तारीख को सुबह 8:30 बजे आया था। मेरे बालक ने 15 तारीख को 5:30 बजे फोन लगाया था कि पापा यहाँ आश्रम में अजय आचार्य जी छेड़खानी करता है, अच्छे स्वभाव नहीं है, पापा आप मेरे को जल्दी लेने आ जाओ। मैंने बोला बेटा मैं सुबह 8:30 बजे आ जाऊँ। मैं 8:30 बजे जैसे आया, जैसे मैंने बच्चे को पूछा मैंने क्या है बेटा अजय आचार्य जी, तो अजय आचार्य जी इनने 15 तारीख को 3:30 बजे यहाँ से रवाना कर दिया फोन लगा के। जिसके बाद में इनके बच्चे तू बाहर निकल बेटा, अपन घर चलते, अब ऐसा आश्रम में नहीं रहना। फिर मैंने अंदर आवाज लगाई, और भी बच्चे पूछे, सब बच्चे आए, सब ने बोला हाँ अंकल जी ऐसा हो रहा है यहाँ पे। छेड़ा गया था, उनके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी, तो उनके खिलाफ मैं खड़ी हुई थी। यही की बात है, रात को सारे पेरेंट्स मौजूद थे, सब थे। कब की? कल की, परसों? कल रात को, कल की बात है। तब इनका बच्चा ऑटोमेटिकली सामने आया रोते हुए कि मेरे साथ भी राहुल आचार्य जी द्वारा ये हरकत हुई है। ठीक है, तब मैं उसको लेकर थाने पहुंची। आपके बच्चे के साथ भी हरकत हुई? जी। है ना, किसने, राहुल ने करी या अजय? अजय। प्रभु जी, ये नवरात्रि में सामने आया था जी। मैं नवरात्रि में कार्यक्रम में था, उस समय मेरे पास 2 पेरेंट्स का टेलीफोन आया था पालकों का। उस समय उन्हें कहा है कि वो तुम्हारा आचार्य गलत है, वो आश्रम में नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने उसको सर आश्रम में टेलीफोन लगा था कि पुरावर्ती कार्यक्रम में से, और उसको उस समय बाहर करवाया आचार्य के पालकों के कहने से, और जब उन्होंने ये शिकायत की मेरे पास तब। के 2 बच्चे थाने पे आए थे, उनने यौन शोषण का उनके आचार्यों द्वारा करने का आरोप लगाया था, जिस पर महाकाल पुलिस द्वारा प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया गया है। एक आचार्य को अभी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है। अभी 2 बच्चों के द्वारा थाने पे जाके जानकारी दी गई थी, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 19 बच्चों के बारे में अभी जानकारी नहीं है, इस संबंध में एक टीम बना के और विवेचना की जा रही है। इस समय हम बड़नगर रोड स्थित दांडी आश्रम में आश्रम में खड़े हुए हैं। ये आश्रम कल तक एक अच्छी शिक्षा के लिए, संस्कृत के लिए और ज्योतिषी के शिक्षा देने के लिए जाना जाता था, लेकिन कल ये उस समय चर्चा में आया जब कुछ बच्चों ने यहाँ के 2 आचार्य, एक राहुल शर्मा और एक अजय, के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ में लगातार कई बार दुष्कर्म किया। इसके बाद काफ़ी चर्चा में आया, पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले में प्रकरण दर्ज हो गया। खास बात यह है कि इसी के बाद में ये बात पता चली कि करीब 19 से 20 बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और लोगों के में इस आश्रम के प्रति अब काफ़ी आक्रोश है। आपको एक बात बता दें कि ये वही आश्रम है जहां पर सितंबर 2023 में एक बच्ची के साथ में, जो 11 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ था,
और बच्ची यहाँ पे निर्वस्त अवस्था में यहाँ आई थी और जिस राहुल शर्मा पे राहुल गुरु जी पे आरोप लगाए उन्हीं ने उस बच्ची को वस्त्र पहनाए थे उसके यहाँ से थाने तक पहुँचाया था। इसके बाद ये घटना सामने आने के बाद इस आश्रम को लेकर काफी लोगों में आक्रोश है। उज्जैन से NDTV के लिए ललित जैन। सहयोगी ललित जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, 19 छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं दो आचार्यों पर यौन शोषण की, क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में अपडेट क्या है? जो अब तक जानकारी हमें मिली है एक आचार्य को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद क्या है अपडेट? जी, ये मामला करीब 15 दिन से चल रहा था। दांडी आश्रम जो है बड़नगर रोड पर स्थित है, ये 15 दिन से घटना चल रही थी, लेकिन कल ये आक्रोश फूट गया जब पूरे सारे पेरेंट्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जब मालूम पड़ा कि जो कई बच्चों के साथ ये घटना हो चुकी है, लगभग 19 बच्चों के साथ, तो उन्होंने पुलिस को बुलाया वहां पर, वहां के गुरु जी ने और जो राहुल शर्मा आचार्य है उनको पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 केस दर्ज करे है और बाकी अन्य लोगों ने, अन्य बच्चों ने केस दर्ज नहीं करवाए। इस मामले में पुलिस जो दूसरा आरोपी है अजय ठाकुर उसको तलाश रही है, पर वो अभी तक नहीं मिला है। बिल्कुल ललित, क्या कुछ वहां जो पेरेंट्स पहुंचे उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए और जानकारी मिल रही, करीब 80 छात्र हैं, क्या छात्राएं भी हैं? पूरा मामला आपसे समझेंगे। जी, इस आश्रम में सिर्फ छात्र ही रहते हैं क्योंकि इसमें संस्कृत का, संगीत का, वेद क्या का ज्ञान दिया जाता है, इसलिए सिर्फ इसमें छात्र रहते हैं, छात्राओं के नहीं रहते हैं। यहाँ पे 80 छात्र है और ये जो छात्र है इनको यहाँ के आचार्य या वो लोग पढ़ाते हैं जो बचपन से खुद यहाँ पढ़े रहते हैं और यही से सीखते हैं, वही आचार्य बनते हैं, सेवादार बनते हैं, तो वही लोग पढ़ा रहे थे। और ये घटना 3 से 4 महीने से चल रही थी, बच्चों को शोषण किया जा रहा था लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा था एक दूसरे को। हालांकि यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए, पर ये घटना कमरों में हुई है इसलिए उससे कोई फुटेज नहीं मिल पाए। लेकिन जब ये बच्चे एक घटना बच्चे के साथ घटना हुई उसने अपने पेरेंट्स को बताया तो पहले उनको लगा कि ये बच्चा पढ़ने से मन चुरा रहा है इसलिए इस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन जब बार बार कई बच्चों ने एक दूसरे से इस तरीके से बात करी तो मालूम पड़ा कि हाँ इस तरह की घटना हो रही है। और 15 दिन पहले वो इकट्ठे हुए थे कुछ लोग और उन्होंने पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस उस समय 100 नहीं पहुंची थी। इसके बाद 30 तारीख को इकट्ठे हुए जब ये बवाल मचा चल गया और उसके बाद रात को इस मामले में कायमी हुई है। बिल्कुल ललित, इस पूरे मामले पर आश्रम की तरफ से क्या कोई बयान आए हैं सामने या फिर उनका पक्ष क्या है, वे क्या कह रहे हैं? जी, मैंने आश्रम के जो संचालक है महाराज जी उनसे बात की थी, उनका कहना था वो काफी दुखी है क्योंकि 5 साल पहले ही वो यहाँ के संचालक बने हैं और उन्होंने पुलिस को बुलाया था। उनका कहना यह है कि बच्चों ने आरोप लगाया इसे सच क्या है ये तो कोर्ट बता पाएगा, भविष्य की गर्द में है, लेकिन वो इस बात से दुखी है और उन्होंने ही पुलिस को बुलाया था और अब इस बात की और सख्त निगरानी करेगी कि इस तरीके से कोई पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल ललित, ये जो आश्रम है ये कब से संचालित हो रहा है, कितने वर्ष हो गए और क्या इससे पहले भी कोई ऐसे मामले सामने आए हैं यहाँ से? जी, ये 1993 में बना था आश्रम, दांडी स्वामी थे मोहनानंद जी महाराज, उन्होंने बनाया था ये आश्रम। इस तरीके से गतिविधियों में संचालित होता, पढ़ाई करवाता है, समाज सेवा करता है, गायों को पालता है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरीके का मामला सामने आया यहाँ पे। जी ललित, एक सवाल आपसे समझना चाहेंगे, 5वीं से 12वीं तक के छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, ये जो 19 छात्रों ने आरोप लगाए हैं इसमें ज्यादातर क्या 5वीं 6वीं 7वीं वाले हैं या 10वीं से ऊपर वाले भी हैं? नहीं, ये जितने बच्चे 14-15 साल के उम्र के, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं के बच्चे हैं ये, जो मतलब आसानी से किसी के शिकार हो सकते हैं, ये उसी उम्र के बच्चे हैं और ये हाल में ही सोते थे इसलिए वहां पे ललित, दो आचार्यों के नाम अब तक सामने आए हैं, आचार्य राहुल शर्मा और अजय, जिन पर आरोप है, और एक की गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई है और दूसरे को लेकर क्या है अपडेट, क्या वो फरार है या फिर क्या है मामला? जी, आचार्य राहुल शर्मा, जब ये मामला कल बवाल मचा तो आचार्य शर्मा वहीं पे थे, राहुल शर्मा तो जो महाराज और अजय ठाकुर को जब घटना सामने आई थी तो 15 दिन पहले ही वहां से आश्रम से निकाल दिया गया था, इसलिए उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस को तलाश रही है।
बिल्कुल, इस खबर के सामने आने के बाद, इस मामले के सामने आने के बाद अब क्या स्थिति है? जाहिर सी बात है वहां और भी बच्चे हैं, तो क्या वे अब भी वहीं हैं या कुछ पेरेंट्स उन्हें अपने साथ लेकर घर गए? जी अभी बच्चे वहीं पे, चूंकि एग्जाम चल रही है, लेकिन उनके पेरेंट्स वहां पे आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म हो और वो टीसी निकला के यहाँ पे बच्चों को ले जा सके, जिससे कि दूसरे स्कूल में भर्ती करे। अभी वो असमंजस है कि उनको कैसे निकाले, उनके साल बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल ललित, जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि एक दो बच्चे नहीं है, 19 छात्रों ने आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी इस मामले में हमने कई पेरेंट्स से बात करी है, उन्होंने सामने तो नहीं आए पर उनका कहना है कि इस तरह की घटना हुई तो उनको मतलब इस आश्रम पर काफी विश्वास था, उनका विश्वास टूट गया, क्योंकि उनके पूर्व के जो पहले के बड़े बच्चे है वो भी यहाँ पे पढ़ चुके थे, पर पहली बार इस तरह की घटना हुई है, इससे उनका विश्वास टूट गया। वो नहीं चाहते कि अब उनके बच्चे यहाँ पर रहे और वो जल्दी जल्दी निकालना चाहते हैं। इन घटना के सामने आकर एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे थे आज, और उन्होंने भी पेरेंट्स से और इनसे बात करी और आरोपी से भी पूछताछ की है। ठीक है, जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है, कब से इस तरीके की चीजें चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो जाहिर सी बात है 19 छात्रों ने आरोप लगाए हैं, तो ये चीजें चोरी छिपे काफी वक्त से चल रही होंगी, बस आवाज देर से उठाई गई है। दरअसल क्या है, जो यहाँ का गुरु जी है वो कुछ समय पूर्व अपने दूसरे आश्रम में गए थे, करीब 3 से 4 महीने पहले, और वो 1 महीने तक बाहर रहे। इसी दौरान ये घटनाक्रम शुरू हुआ जब आश्रम में सिर्फ आचार्यों के भरोसे रहा राहुल या आचार्य या अनाचार्य के भरोसे, उसी दौरान ये घटना शुरू हुई है और ये 15 दिन पहले सामने आ गई। बिल्कुल ललित, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।